नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप अपना अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले थे और आपको पता ही होगा, आपको जो कि सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस है जो कि इशू करा जाता है। तो किसी भी कारण से अगर आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था और अब आप जो कि टेस्ट देना चाहते हो पर आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप बिना लर्निंग लाइसेंस के है जो कि टेस्ट देने नहीं जा सकते हो। लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो आपकी होती है 6 महीने की। तो उसके बाद है जो कि आप दोबारा से है जो कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप दोबारा से जो कि अपना रिन्यू कैसे कर सकते हो लर्निंग लाइसेंस, और वापस से जो कि आपकी 6 महीने की है जो कि वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और इस प्रोसेस में आपको किसी प्रकार की कोई टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट टेस्ट जो कि आपका रिन्यू हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप कमेंट करोगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो कि अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको आना है, सिंपली आप जो कि ये सर्च करोगे एम परिवहन लिख के आप जैसे ही सर्च करते हो आपके सामने है जो कि कुछ इस तरीके की वेबसाइट है जो कि आ जाएगी। फर्स्ट वाला जो लिंक आपको दिख रहा है इस पर ही आपको है जो कि क्लिक कर देना होगा फर्स्ट वाले लिंक पर। तो जैसे ही आप इस पर जो कि क्लिक कर देते हो उसके बाद जो कि आपका एम परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज इस वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो अब यहाँ पर आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा। तो जिस भी स्टेट से आपने अपना अप्लाई कर रखा लाइसेंस उस स्टेट को सेलेक्ट करोगे, आपके सामने इस टाइप का पॉपअप आएगा, इसे आप कट कर लोगे, इसका आपको कोई काम नहीं है अभी। और कट कर ले तो आपके सामने है जो कि काफ़ी सारे है जो कि ऑप्शंस आएंगे। तो आपको सबसे टॉप पे आ जाना होगा लाइसेंस मेन्यू, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे आप क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे लर्नर लाइसेंस, तो इसी पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए एक रिन्यू करने का है जो कि ऑप्शन मिलेगा एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस। तो इस वाले ऑप्शन पे ही है जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने है जो कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्सपायर लर्नर लाइसेंस नंबर। तो जो आपका लर्नर लाइसेंस है जो कि एक्सपायर हो गया है उस पे एक नंबर लिखा होता है आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर, तो वो वाला नंबर आप वहाँ से जो कि उठाओगे और यहाँ पर है जो कि आप लिख दोगे। और उसके बाद है जो कि आप डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड यहाँ पर जो लिखा है सेम कैप्चा कोड भर के सिंपली है जो कि यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का बटन है जो कि देखने को मिल रहा होगा। तो आप इस तरीके से अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर भर के सबमिट वाले ऑप्शन पे है जो कि क्लिक कर दोगे। अब आप सबमिट करते हो तो नीचे आपको देखिए आपका नाम और आपके फादर का नेम होगा यहाँ पर, तो दोनों चीज़ आपको चेक कर लेनी है। और उसके बाद सीधा जो कंफर्म वाला बटन आपको देखने को मिल रहा होगा इस कंफर्म वाले बटन पे आप जो कि क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप कंफर्म करते हो यहाँ पर देखिए आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने उस समय दिया होगा अपने एप्लीकेशन में, उस मोबाइल नंबर पर जो कि आपको एक जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जो कि आपके मोबाइल नंबर पर जो कि एक OTP सेंड करा जाएगा। तो आपके अपने मोबाइल फ़ोन में चेक कर लेना है जो भी यहाँ नंबर लिख रखा है उस पर है जो कि OTP चला गया होगा 6 डिजिट का, तो वो OTP आप एक बार अपने फ़ोन में चेकआउट करें। और यहाँ पर है जो कि आपको OTP है जो कि फिलअप कर देना होगा। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऑथेंटिकेट विद सारथी, तो इस वाले ऑप्शन पे जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद है जो कि यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल्स आ गई है, जैसे कि आपका RTO, आपका नेम, आपके फादर का नाम और आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ, DOB वगैरह सब कुछ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो सारी डिटेल्स आपको एक बार क्रॉस चेक है जो कि कर लेनी होगी, और क्रॉस चेक कर लेने के बाद आपको जो कि एड्रेस वगैरह सब कुछ देख लेना है। और नीचे आपको आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर देखिए आपका जो कि नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो कि अपना व्हीकल टाइप है जो कि यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे कि आपका पहले का ही एप्लीकेशन बना हुआ है तो यहाँ पर आपका वही ऑप्शन आ रहा होगा, बस आपको जो कि ये सेलेक्ट करना होगा और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। मैं यहाँ पर जो लाइसेंस ये बना रहा हूँ ये बना रहे हैं हम मोटरसाइकिल विद गियर, वो ये है नॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसे ही आपके पास भी जो भी आप लाइसेंस बना रहे होंगे वो आपके पास आएगा, आपको सिंपली है जो कि इस तरीके से सेलेक्ट करके ओके कर देना होगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो अगर आपका कभी लाइसेंस वगैरह सस्पेंड हुआ है तो इस पर टिक करेंगे, या फिर आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से टेस्ट दिया है तो इस पर टिक करेंगे, अगर दोनों में से कुछ नहीं करा है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सिंपली है जो कि यहाँ पर देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, तो इस वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक करके आपको एक बार अपना सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि देना होगा।
तो आपको ये जो येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कि एप्लीकेशन का है जो कि डिक्लेरेशन आ गया है, तो इसमें जो कि आपको यस नो है जो कि कर देना होगा। तो इसे आपको पढ़ लेना है और अपने हिसाब से यस नो करना है। वैसे मैक्सिमम जो होता है सेकंड वाला यस करना होता है, बाकी सारे नो। उसके बाद जो कि यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको जो कि टिक लगाना होगा। टिक आप जैसे ही लगाते हो उसके बाद जो कि आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आप जो कि अपनी फिजिकल फिटनेस को है जो कि यहाँ सबमिट कर रहे हो, उसके बाद ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर। तो जैसे ही आप ओके वाले बटन पर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए फिर से आपको जो कि ओके करना होगा। उसके बाद नीचे जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करके सबमिट करोगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली है जो कि सबमिट हो गई है। अब आपको सिंपली ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए आपकी नए एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपके सामने आ गया है। तो इस एप्लीकेशन नंबर का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके मोबाइल नंबर पर है जो कि एक SMS में भी आपका ये एप्लीकेशन नंबर आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये सब चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। सिंपली है जो कि आपको नेक्स्ट वाला जो बटन यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर DOB ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है। उसके बाद जो कि आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो कि पूरी एप्लीकेशन अब सक्सेसफुली तैयार हो गई है। बस आपको करनी होगी यहाँ पर फीस पेमेंट, जो कि रिन्यू करने की फ़ीस है, जो भी आपने LL का है जो कि रिन्यू करा है उसकी आपको यहाँ पे फीस है जो कि पे करनी होगी। तो यहाँ पर फीस पे करने के लिए आपको सेलेक्टेड करा हुआ दिख रहा होगा, प्रोसीड आपको कर देना होगा। प्रोसीड आप जैसे क्लिक करते हो आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पर सारी डिटेल्स है जो कि ऑलरेडी आ रही है। तो ये सब चीज़ आपको चेक करनी है और यहाँ पर देखिए आपका फ़ीस है जो कि यहाँ पर किस चीज़ का है, कितना लिया जा रहा है, वो सब समरी यहाँ पर लिख रखी है। तो आप अपना क्रॉस चेक कर ले कि किस चीज़ का कितना पेमेंट आपको करना है और टोटल आपको कितनी फ़ीस है जो कि पे करनी होगी। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है जो कि वरी करता है, वो सब आप देख लेना। किसी स्टेट में जो कि ज़्यादा है किसी में कम है तो वो आप देख लेना। और जो आपका फीस है जो कि आपको यहाँ पर पे करना होगा उसके बाद देखिए पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो कि SBI पे सेलेक्ट करना होगा। और जो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दे रखा है ये कैप्चा कोड है जो कि आप एज इट इज़ जो भी यहाँ लिख रखा है ऐसे ही सेम टू सेम है जो कि आप ये कैप्चा कोड को है जो कि फिलअप कर दोगे और पे नाउ वाले बटन पे है जो कि क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप जो कि पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हो आपके सामने समरी आ रही है आपके बिलिंग की। तो यहाँ पर है जो कि आपको ये सब चीज़ चेक करना है और आगे की तरफ है जो कि प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो कि क्लिक कर देना होगा यहाँ पर। अब जो कि आपका पेमेंट गेटवे है जो कि ओपन हो रहा है यहाँ पर लोडिंग ले रहा है तो आपको वेट कर लेना होगा। बीच में आपको एप्लीकेशन है जो कि रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, लोडिंग लेते हैं तो आपको पूरी लोडिंग ले देना होगा। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो गया है, जो भी आपको फीस पेमेंट करनी है आपकी लिखी हुई आ रही है। यहाँ पर है जो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम UPI कुछ भी है जो कि पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर है जो कि UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और UPI से भी आप इजीली है जो कि पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो UPI से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर है जो कि आप चाहो तो UPI ID डाल सकते हो, चाहो तो UPI QR वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप UPI QR सेलेक्ट करते हो पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने है जो कि एक पेमेंट के लिए है जो कि QR कोड है जो कि यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो QR कोड यहाँ पर जैसे ही जनरेट हो जाएगा आप उस वाले QR कोड पर जो कि ईजिली अपनी पेमेंट है जो कि कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए जो कि 3 मिनट का टाइम मिलता है, आप अपने कोई से भी ऐप से गूगल पे हो गया, पेटीएम या फ़ोनपे किसी से भी स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद है जो कि आपको अपनी पेमेंट है जो कि वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पर आप सिंपली है जो कि अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे यहाँ पर, अपनी DOB डालोगे और जो भी यहाँ पर नीचे है जो कि कैप्चा कोड वगैरह दे रखा है ये सब फिल करके आप सिंपली है जो कि आगे की तरफ है जो कि प्रोसेस कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर अपना कैप्चा कोड वगैरह जो कि भर लिया है। यहाँ पर देखिए हमारी पेमेंट यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर आपको सिंपली है जो कि आगे की तरफ है जो कि प्रोसेस कर देना होगा। तो देखिए जैसे ही आपकी पेमेंट आप प्रोसेस करते हो आगे की तरफ यहाँ पर अपनी है जो कि पेमेंट यहाँ पे फाउंड हो रही है, जो भी हमने यहाँ पे पेमेंट करी है यहाँ पर। तो आपको सिंपली ये पेमेंट है जो कि यहाँ से सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से और ये आपका कैप्चा कोड दे रखा है, इस कैप्चा कोड को आप जो की है फिलअप करोगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ है जो कि आप लिख दोगे, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में, और जो भी कैप्चा कोड दे रखा है यहाँ पर आपको जो कि एकदम अच्छे से फिलअप करना होगा। यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट इस वाले ऑप्शन पे है जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए आपकी एक है जो कि रिसिप्ट प्रिंट हो गई है, ये जो कि फीस पेमेंट आपने जो करी है उसकी रसीद है। तो ये आपको जो कि अपने फ़ोन में जो कि सेव कर लेनी होगी, ये आपकी रिसिप्ट हो गई।
तो रिसिप्ट आपको जो कि अपने फ़ोन में सेव कर लेनी होगी। उसके बाद जो कि आपको सिंपली है जो कि बैक आ जाना होगा अपने होम पेज पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको होम पेज पे जो कि अपने चले जाना होगा। तो जैसे ही आप होम पेज पे चले जाते हो आपको जो कि वापस से सेम प्रोसेस करना होगा जैसे आपने शुरुआत में करा था। तो यहाँ पर आप आते हो तो आपको सिंपली लाइसेंस मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लर्नर लाइसेंसेस वाले ऑप्शन को जो कि ओपन करना होगा आपको। जैसे ही आप लर्नर लाइसेंस पे जो कि क्लिक करते हो यहाँ पर तो आपके सामने है जो कि नीचे और भी ऑप्शन है जो कि ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट लर्नर लाइसेंस दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर है जो कि आपको क्लिक है जो कि कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड करा गया होगा जो कि आपके एप्लीकेशन के साथ लिंक था, जिसपे पहले OTP आया था उसी पे OTP चला गया होगा। तो OTP है जो कि आपको चेकआउट करना होगा और यहाँ पर सिंपली है जो कि वो OTP है जो कि फिलअप कर देना होगा और सबमिट वाले बटन पे जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप OTP फिलअप कर लेते हो सिंपली सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपली है जो कि सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हो आपके पास फिर से एक PDF डाउनलोड हो गई है और यहाँ पर देखिए ये आपका जो कि नया लर्नर लाइसेंस है जो कि हमने रिन्यू करा है वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब जो कि ये आज की डेट से लगभग 6 महीने तक है जो कि इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब मैं जब मर्जी है जो कि अपना स्लॉट बुक करके ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जो कि RTO जा सकता हूँ और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कि अप्लाई कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यही एक छोटा सा प्रोसेस होता है अपने जो कि लर्नर लाइसेंस को रिन्यू करने का। आप इसे घर बैठे कर सकते हो अपने फ़ोन से, आपको साइबर कैफ़े या किसी दुकान के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फीस पे करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरी जानकारी मिल गई होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।